समाजवादी के गढ़ मैनपुरी सीट पर लोकसभा चुनाव में लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि मैनपुरी इस लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। साल 1996 के बाद से मैनपुरी पर सपा के प्रत्याशी अजय रहे हैं। इसके अलावा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भी बीजेपी इस सीट को हासिल नहीं कर पाई। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव इस सीट से सांसद बनी थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को ही प्रत्याशी बनाया है। दूसरी ओर काफी लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा करते हुए मैनपुरी के क्षत्रिय चेहरे यानी कि जयवीर सिंह पर दांव लगाया है। दरअसल जयवीर सिंह मैनपुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं और प्रदेश के पर्यटन मंत्री के तौर पर उन्होंने मैनपुरी में पर्यटन विकास के कई कार्य कराए हैं। ऐसे में जयवीर सिंह के सामने अब समाजवादी पार्टी को उसके ही गढ़ में पराजित करने की चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं जयवीर सिंह ने मैनपुरी में जीत का दावा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव सपा का मैनपुरी में किला ढहा था और बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी सपा का किला ढहेगा और बीजेपी का कमल खिलेगा। इसके अलावा उन्होंने डिंपल की जीत पर कहा कि मुलायम सिंह के देहांत के बाद मैनपुरी की जनता ने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें जिताया था। देखिए, पहले तो पार्टी के अपने हाईकमान को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत आभार कृतज्ञता कि जिन्होंने मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है। निश्चित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और पार्टी को आश्वस्त करता हूँ कि वहाँ पूरी ताकत के साथ जनता के सहयोग से हम लोग इस बार प्रयास करेंगे, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा पूरा भरोसा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ हमारा असेंबली भी था जहाँ से हम MLA हैं, वहाँ भी हमसे पहले लगातार नए परिसीमन के बाद हमेशा समाजवादी पार्टी ही MLA जीतती रही, लेकिन वो गढ़ भी ध्वस्त करने का काम जयवीर सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हुआ था। इस बारे में पूरा भरोसा है कि मैनपुरी पर जो जिसको अवैध किला सपा कहती है, उस अवैध किले को ढहाने का काम भी ईश्वर की कृपा है कि जयवीर सिंह के हाथ से होने जा रहा है। निश्चित रूप से वहाँ हम लोग पूरी ताकत के साथ, मनोयोग के साथ, जन समर्थन के साथ, जन विश्वास के साथ लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से भरोसा है कि मैनपुरी पर भगवा लहराएगा। उस उपचुनाव की स्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। मुलायम सिंह जी का स्वर्गवास हुआ था, चिता की आग ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक वो उपचुनाव की घोषणा हो गई थी और उस समय पूरे देश ने, पूरे सार्वी राजनीतिक दल के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया था। उसी श्रद्धांजलि में मैनपुरी की जनता की आहुति श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें मिली थी। वो वहाँ तक चुनाव सीमित था, ना कोई मुद्दा था, ना विषय था, लेकिन अब बहुत समय गुजर चुका, परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सुशासन का संदेश देने का, जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है, उसको हम लोग धरातल पर जन जन तक पहुंचा करके उस किले को ढाने का काम करें।